बरसात के मौसम में गर्मा गर्म कचौरियाँ खाने का मज़ा ही कुछ और है ना दोस्तों। बारिश का मौसम हो और हो छुट्टी का दिन, तो सुबह के नाश्ते में कुछ अलग खाने का मन तो होता ही है। तो चलिए बनाते हैं ये गर्मा गर्म कचौरियाँ। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी कचौरियाँ बनी हुई हैं, बिल्कुल फूली फूली और क्रिस्पी। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए आवाज़ आ रही है आपको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कचौरियाँ बनाने के लिए यहाँ मैं मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, हेल्थ भी तो देखना है दोस्तों। तो चलिए इसके लिए हम ले रहे हैं गेहूँ का आटा, जी हाँ, जिससे हम डेली रोटियाँ बनाते हैं। यहाँ मैं 300 ग्राम के करीब गेहूँ का आटा ले रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी 3 चम्मच देसी घी। जी हाँ, देसी घी का मोयन जो होता है वो काफ़ी अच्छा आता है कचौरियों में, इसलिए कोशिश कीजिए आपकी देसी घी का ही मोयन ऐड करें। 3 चम्मच देसी घी मैंने ऐड कर दिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे ज़रा सा नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार ऐड कर लेना। यहाँ मैं आटे के हिसाब से 1/4 चम्मच के करीब नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इनमें हम डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, इसे हाथों पर इस तरह से रब कर लेंगे और इसे ऐड कर देंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा कलौंजी, 1/2 चम्मच, बस इतना काफ़ी है। और अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मोयन हमारा आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। कचौरियों के लिए हमें टाइट डो ही लगाना होता है दोस्तों, तो इसका आप ख्याल ज़रूर रखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करें। अब इस तरह से हाथों से इस तरह से मसलते हुए डो को हम चिकना कर लेंगे। ये देखिए हमारा टाइट डो बनकर तैयार हो गया है। डो को सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे, क्योंकि आटे में नमक पड़ा हुआ है तो ये नरम पड़ जाएगा, इसलिए कचौरियाँ हम तुरंत ही बनाएंगे। आटे को 2 भागों में इस तरह से हम तोड़ेंगे और एक भाग को हथेली पर इस तरह से चिकना करते हुए हम इससे छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। छोटी छोटी लोइयाँ हैं क्योंकि कचौरियाँ छोटी छोटी देखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी मज़ा आता है, इसलिए हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। और अब हम इन लोइयों को हथेली पर इस तरह से चिकना करते हुए इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं और अब एक एक करके इस तरह से हम रोलिंग बोर्ड पर रखेंगे और इसे इस तरह से बेलते हुए तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है, बस इतना ही हमें बेलना है। और इस तरह से बेलते हुए हम सारी कचौरियों को बेलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी कचौरियाँ बेलकर तैयार हो गई हैं और अब इन्हें तलने की बारी। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल गर्म होने को रख दिया है। मैं यहाँ रिफाइन ऑयल यूज कर रही हूँ, मैंने राइस ब्रैन ऑयल यूज किया है, आप कोई सा भी रिफाइन यूज कर सकते हो। तेल को हम लो टू मीडियम आंच पे ही गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म तेल हमें नहीं करना है, नहीं तो कचौरियाँ एकदम से लाल हो जाएंगी और वो खस्ता नहीं बनेंगी। एक छोटा सा टुकड़ा हम इसमें डाल करके और इसे चेक करेंगे तेल को, ये एकदम से ऊपर नहीं आ रहा है, ये देखिए कलर तो आंच बिल्कुल सही है। और अब हम इसमें पूरियाँ तल लेंगे। पूरियों को हम एक बार में 3 या 4 बस इतना ही ऐड करेंगे और उसके बाद इस तरह से हम करछी से थोड़ा सा इसको इस तरह से घुमाएंगे। इस तरह से घुमाने से क्या होता है कि फूलने लगती हैं कचौरियाँ बहुत अच्छी से और आसानी से। ये देखिए किस तरह से फूलने लगी हैं। थोड़ा थोड़ा तेल आप इसके ऊपर डालते जाइए जिससे कि ये खूब अच्छी तरह से सीख जाएंगी ऊपर भी और इन्हें पलटने में आसानी होगी। अब इन्हें हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है कि बस फटाक से मिल जाए खाने को। दूसरी तरफ से भी हम इसे सेंक लेंगे। हमें कचौरियों को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इनका कलर गुलाबी हो जाए उतना ही हमें सेंकना है। ये देखने में भी अच्छी लगती हैं और क्रिस्प भी हो जाती हैं, तो बस इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। और अब इसी तरह से हम बाकी कचौरियों को भी तल लेंगे। बन रही है ना बिल्कुल फूली फूली और मज़ेदार, तो इन लाजवाब कचौड़ियों का तो कोई जोड़ ही नहीं है दोस्तों, मज़ा आ जाता है इन्हें खा करके। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए और छुट्टी के दिन का एंजॉय कीजिए। वैसे तो ये कचौड़ियाँ ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हैं,
आप इसे सॉस या चटनी के साथ परोस सकते हैं। मैं इन कचौरियों को आलू परवल फ्राई और गार्डन सैलेड के साथ परोस रही हूँ। सैलेड की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ इसी किचन में। अपना बहुत ख्याल रखिए दोस्तों, धन्यवाद।